I was like, one second, what just happened? Very good. Dimly call. हम लोग हमारे होटल पहुंच चुके हैं, हम लोग फैन फेस्ट के लिए आए हैं एंड वी रीच। इसने मेरे बैग में कपड़े रखे हैं। हमारे दोनों के रूम बहुत दूर, अभी सुबह आया था टॉवल मांगा। चाइली ने ड्राइवर को पूछा कि काका आम्ही उतरू का, ते म्हणे मग काय पुण्याला परत यायचं का। सो माय रूम नंबर इज 2215। Okay. Dear Shorts Break, welcome to YouTube Fan Fest India. We are so excited to have you as a part of the Fan Fest tees and to welcome you back on live stage. Woo! तो यहाँ हम फाइनली मिले लखनित फैमिली से, जिनके साथ हमारा कोलैबोरेशन होने वाला है। हम साथ में परफॉर्म करने वाले हैं स्टेज पर। उसके बाद हमें हमारे नेक्स्ट दो दिन का शेड्यूल मिला, ब्रीफ मिला कि कैसे शेड्यूल होने वाला है, क्या होने वाला है, कब प्रैक्टिस है, कब आना है, कब जाना है। बाकी टाइम पे बहुत शांत रहता है ये बंदा, बहुत ज्यादा। लेकिन ऐसे लगता है कि इसे पीन मारो या कुछ तो छुपाओ तब ये बात करेगा। और अब निकल चुके रिहर्सल के लिए रेडी होकर, यहाँ मिल गए फैन। थैंक यू सो मच ब्रो। ये फैन फेज की टीम के साथ, क्रिएटिव टीम के साथ कुछ डिस्कशन हो रहा है, बहुत सारे उनके भी इनपुट्स थे, बहुत सीखने को मिला। लेट्स सी कैसे होता है। डायलॉग्स जो है गाइस को कुछ वो अभी तक लर्न नहीं हुए हैं और मैं सोच रही हूँ कि अभी लर्न करने का टाइम है, क्योंकि अभी डायरेक्ट हमारी ऑन स्टेज प्रैक्टिस होने जा रही है और थोड़ा सा नर्वस हो रहे हैं क्योंकि बहुत बड़ा स्टेज है। अभी तक हमने परफॉर्म नहीं किया है, किसी ने पर्सनली भी नहीं किया है, तो वी आर सुपर सुपर एक्साइटेड और बहुत डर लग रहा है। यहाँ पे हमारे फैंस बैठने वाले हैं। दीदी आपने एक गंदी सी डिश बनाओ, जबरदस्त प्लान है, एक क्रेजी आइडिया है हमें। राजकुमारी क्या है? महाराज आपको बुला रहे। सुबह हमें लगा था कि हमें दो तीन घंटे की प्रैक्टिस करनी और फिर बहुत रेस्ट करने मिलेगी, बट हमें एक घंटे की भी रेस्ट नहीं मिल रही है आज ठीक से। पता नहीं क्या होने वाला है, मतलब नींद तो हमारी बस 4 घंटे वगैरह हुई होगी और उसके बाद मतलब इतने थके हुए हैं पर फिर भी जाके रेडी होकर गाइस डिनर को जाना है, मतलब मुझे नहीं जाना है। अभी तक हमारे लोग रेडी नहीं हुए। गुड मॉर्निंग सूरज, ये देखो हमेशा लेट करती है। हाय गुड मॉर्निंग, ब्रेकफास्ट करें। गुड मॉर्निंग, अभी हम ब्रेकफास्ट करने आए हैं, अभी हम जाने वाले प्रैक्टिस के लिए। तो ऑन स्टेज रिहर्सल होगा, एक ऑफ स्टेज रिहर्सल होगा। वो तो बोल रहा था तूने कैमरा छीन लिया उससे। नहीं, क्या बात कर, किधर नहीं उतरा था कैमरा, वो लिखा भी तेरे हाथ में। क्या सूरज है, क्या सूरज है। क्या हो रहा है बताइए। अभी यहाँ पे मुझे भी ऐसा था कि कुछ एक्सपेक्टेड था, फनी कुछ तो बहुत आतरंगी करेंगे, पर तुमने सिंपल कर दिया तो ऐसा हो रहा है कि अरे यार। तो प्रैक्टिस का है डे 2 और यहाँ पे चल रही है प्रैक्टिस। अभी तक हमें बहुत ऐसे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, पर एज यूजुअल जब रवि सर आए, डायरेक्टर जो हमारे हैं, वो आने के बाद उन्होंने बहुत सारी चीज़ें चेंज की है, बहुत सारी चीज़ें चेंज की है। तो देखते हैं वहाँ पे क्या क्या चल रहा है और पूछते हैं कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है। लेट्स गो विद मी। तो गाइस अभी कैसा लग रहा है इतना प्रैक्टिस करके, आज रवि सर आए हैं तो? आज सच में इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ा है स्क्रिप्ट पे, मज़ा आया आज, मज़ा ही आया। मुझे थैंक यू बोलना है सब लोगों को, बहुत बड़ा बड़ा मुझे भी एक डायलॉग बोलने का मौका मिला है। फाइनली लुकु इज हियर, प्रतीक सर। उनके इतने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाल कर आए, वो भी एक दिन पहले। उनके आने के बाद हमें और कॉन्फिडेंस आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। कल उसको बोल वहाँ पे अपना फैन नहीं है उधर, सब ऐसी है।
अभी यहाँ पर हम गाने की रिहर्सल कर रहे हैं क्योंकि हमारा एक रैप शूट होने वाला है यहाँ पर। अभी यहाँ पर हम बैठे हैं और हमें लाइंस लर्न करने के लिए दिए थे तो हमने वो कर लिए है। अभी हमें अंदर बुलाएंगे और पता नहीं क्या करवाएंगे। हे कम्युनिटी, ये काफ़ी बढ़िया, एक साथ देखे सारा इंडिया यूट्यूब। सुपर एक्साइटेड बिकॉज इट्स अ फाइनल रिहर्सल और बहुत धक धक हो रहा है और इसके बाद डायरेक्टली हम आप सबके सामने परफॉर्म करेंगे तो लेट्स गो। गणपति बप्पा मोरिया। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर लक्ष्मी एंड शॉर्ट स्प्रे। अरे आई 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 ये है काम वाली बाई। अरे मैं नहीं आ सकती आपके यहाँ बार बार, आप रहेंगे शिक्षा मोरिया। अरे सर वो ऐसा पूरा स्टेप था, मैं पैर डालने वाला, मुझे लगा गिर जाएगा मैं। मुझे काम वाली बाई वाला वो वाला पता है, मैंने शायद दो चार बार रिएक्ट किया। हाँ 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 हेलो गाइस कैसे हो, देखो हमारे को कॉल किया। हाँ जी बोलो कुछ। मुझे काम वाली बाई के बारे में पता है, इनके बारे में पता है मेरे को, इनके बहुत सारी वीडियोस पे मैंने रिएक्ट करा है, रोस्ट किया है। भूल गया यार मैं तो, सॉरी यार, शिट यार मैं भूल गया यार। अब लोग शॉर्ट्स नहीं बनाते तो YouTube पे इतने सारे मिलियन व्यूज कैसे आते भाई? I'm glad आप लोगों को मिला एंड ये बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। आपके शॉर्ट्स सच में बहुत अच्छे मैंने देखे हुए हैं, ठीक है। तो मैं गलत बोल रहा, फर्स्ट टाइम में मैंने, आपने जब काम वाली बात बताया, मैंने कहा हाँ मैंने शॉर्ट्स देख रखे हैं और बाकी इमली खाओ। अच्छा था आपका परफॉर्मेंस, बहुत एनर्जेटिक था। हमें डर था, हमें डर था कि आपके परफॉर्मेंस के बाद हमारा परफॉर्मेंस क्योंकि बहुत एनर्जी हाई हाई हो गई ना, मतलब लोगों के। आज हमारा है लास्ट डे, मतलब जिस दिन का आप वेट कर रहे थे, तो आज हमारा फैन फेस्ट इवनिंग में और सुबह से हमारी प्रैक्टिस वगैरह है और मेरी आज तबीयत थोड़ी ख़राब है क्योंकि दो दिन से मैंने रूम में एसी नहीं लगाया था और शशांक ने कल आकर एसी लगाकर सो गया। तो यहाँ पे काफ़ी सारे बूथ हैं और ये वाला जो एरिया है ये फैंस का एरिया है, मीट एंड ग्रीट का। तो दिस इज शॉर्ट्स ब्रेक। तो आज हमारा मेन शो डे है, आज सारे इम्पोर्टेंट इवेंट्स होने वाले हैं जिसकी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तीन चार दिनों से और देखना ये है कि ये जो एरिया है कितना भर जाता है। तो फाइनली हम लोग जा रहे हैं अभी मेकअप के लिए, हमारे शो में दो घंटे ही बचे, अभी मीट एंड ग्रीट है वहाँ पे। यहाँ से आगे उस साइड में मेकअप का पूरा यूनिट किया है तो अभी हमें रेडी होने वही जाना है और अभी जो है नर्वसनेस ज़्यादा बढ़ गया है। हेलो, तो अभी हम जाने वाले हैं मीट एंड ग्रीट के लिए, हमारे कुछ फैंस हमें 1-to-1 मिलने आने वाले हैं तो जिनके साथ हम बातें कर सकते हैं। रेडी गाइस, रेडी रेडी फोन से बता दो दे। हेलो, थैंक यू। योर नेम? जियान। बहुत मजा आ रहा है एक एक करके, yes। लोग हमें मिलने आ रहे हैं, जस्ट लाइक कुप्पो।
performing, right? Oh, that's right. I was like, one second, what just happened? Yes, yes, we were performing, so you. Oh, we met yesterday, man. Yes, yes, yes. You were not in costume. You were not in costume. You were wearing a cute dress yesterday. Yes. How did you get done with yours? Yes, yes, yes. Was that nice? Yes. Okay. But for definitely. I'll be there. I'll be there. Even when you're in the wings, I'll be there. Yes, yes. Bye. So let's give it up for Raja Kumari! Look what you done! Gentlemen, please make some noise to welcome on stage the dynamic duo of Lakneet and the talented team behind Shots Break. Their make some noise, everybody! Yes. Their story is the one that is the kind of inspiration that we all need. Can we hear it for them, please? What's up, love? पर वहाँ पे लाइव ऑडियंस होती है और हम हैं शॉर्ट्स क्रिएटर, हमारी एक्टिंग एक मिनट में खत्म हो गई तो आप ये हमेशा ननन भाई का गोंबा लेके क्यों सुनते हो? अरे भाई ठीक है, मेरी क्या है ना, दोनों को साथ में लेके जाता हूँ तो आपस में झगड़ा करती हैं, अकेले में लेके जाऊँगा तो मेरे से झगड़ा करेंगी ना। लगन अरे ये म्यूजिक रुक नहीं रहा। फाइनली हमारी परफॉर्मेंस हो गई है। हम लोग काफ़ी नर्वस थे, काफ़ी प्रेशर था हमें पहले, लेकिन अब जो फीलिंग है ना वो बेस्ट है, बेस्ट। हम सब लोग बहुत खुश थे क्योंकि परफॉर्मेंस सबको पसंद आई, ऑडियंस का अच्छा रिस्पांस आया। थैंक यू सो मच। कैन वी कॉल ऑल द क्रिएटर्स ऑन स्टेज प्लीज? एवरीबॉडी लेट्स गिव अप ऑल द क्रिएटर्स, एवरीबॉडी कम ऑन।